विश्व विख्यात ताजमहल के शहर आगरा के बीचों बीच स्थित शानदार जतीन रिजॉर्ट्स में शादियों, बर्थडे पार्टियों, भागवत कथाओं और सभी भव्य आयोजनों के लिए कम कीमत में सुविधाजनक जगह उपलब्ध है। जतीन रिजॉर्ट्स में शानदार एसी बैंक्वेट हॉल, खूबसूरत एसी रूम, बड़े ओपन स्पेस के साथ अच्छी पार्किंग की भी सुविधा उपलब्ध है। जतीन रिजॉर्ट्स होटल द ताज विलास फतेहाबाद आगरा की सहयोगी संस्था है। जतीन रिजॉर्ट 100 फुटा रोड नियर मंगलम स्टेट दयालबाग आगरा। बुकिंग के लिए संपर्क करें जितेंद्र कुमार गुप्ता 9897091262, 7906363761। नमस्कार, एवन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चेतना चौधरी। चले रुक करते हैं खास खबरों की ओर। बिहार में बाढ़ का कहर जारी है। खासकर उत्तरी बिहार और सीमांचल के जिलों की स्थिति अभी भी विकराल बनी हुई है। राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 161 तक पहुंच गई है। सिर्फ कोसी और सीमांचल इलाके में ही अब तक 108 लोगों की मौत हो गई है। सबसे ज्यादा 40 की मौत अररिया जिले में हुई है। मोदी सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने ऑपरेशन के जरिए घुटने बदलवाने की कीमत घटाते हुए निर्धारित कर दी है। घुटना प्रतिरोपण की कीमत 54,000 रुपये से 1,14,000 रुपये के बीच निर्धारित कर दी गई है, जिसमें सर्जरी की मौजूदा लागत में करीब 70% तक की कमी की गई है। गोरखपुर अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई रोकने से हुई 36 बच्चों की मौत के मामले में जांच रिपोर्ट में इस ट्रेजेडी के लिए 2 डॉक्टरों को जिम्मेदार करार दिया गया है। ये रिपोर्ट डीएम राजीव रौतेला ने तैयार की है, जिसमें भ्रष्टाचार की आशंका जताई गई है और बड़ी जांच का प्रस्ताव रखा गया है। बीते 48 घंटों में गोरखपुर अस्पताल में और 35 बच्चों की मौत हो गई है। जम्मू कश्मीर सरकार ने राजौरी जिले में सीमा के पास करीब 100 बंकर बनाने का काम शुरू कर दिया है। पाकिस्तानी रेंजर्स की तरफ से लगभग रोजाना हो रहे सीज फायर उल्लंघन को देखते हुए राज्य सरकार ने यह कदम उठाया है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि डोकलाम को लेकर भारत और चीन के बीच जारी गतिरोध के बीच चीन ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। अखबार में छपी खबर के अनुसार चीन ब्लड बैंकों को मिलिट्री इलाकों में शिफ्ट कर रहा है। महागठबंधन से नाता तोड़ नीतीश कुमार से बीजेपी से हाथ मिलाया तो जेडीयू के वरिष्ठ नेता शरद यादव ने बगावती तेवर अख्तियार कर लिया। शरद अपने आगे की सियासी राह तलाशने के लिए दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में साझी विरासत बचाओ के नाम से एक सम्मेलन कर रहे हैं। इस सम्मेलन में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह और राहुल गांधी सहित 17 राजनीतिक दलों के नेता शामिल हो रहे हैं। लद्दाख में भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों को खदेड़ दिया। इसके बाद दोनों सेनाओं ने इस मुद्दे पर बातचीत की और कहा कि आगे से ये गलती नहीं दोहराई जाएगी, लेकिन इस पर आश्वासन के बावजूद भी भारतीय सेनाएं चीन की चालबाजी का सामना करने के लिए तैयार हैं। भारत को अंदेशा है कि चीन कई और हिस्सों में लगातार घुसपैठ जारी रख सकता है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हरियाणा में एक कार्यक्रम में कुर्सी न मिलने के कारण दलित विधायक ने अपना दर्द बयां किया। भिवानी में कार्यक्रम के दौरान बीजेपी के विधायक विशंबर सिंह बाल्मीकि ने कुर्सी न मिलने के बाद स्टेज को तुरंत छोड़ा और अपना विरोध जताना शुरू कर दिया। आने वाले नवंबर से केंद्रीय मंत्री और सीनियर ब्यूरोक्रेट्स आपको इलेक्ट्रिकल सीडेन कारों में घूमते हुए नजर आएंगे। अब सरकारी विभागों में इलेक्ट्रिकल कारों का दौर आने वाला है। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए 10,000 बैटरी ऑपरेटेड कारों की खरीद के लिए ग्लोबल टेंडर जारी किए गए हैं। तमिल सुपरस्टार रजनीकांत की पत्नी लता रजनीकांत के चलाए जा रहे स्कूल पर ताला लग गया है। बता दें कि लता जिस इमारत में स्कूल चला रही है उसका किराया नहीं भर रही थी, ऐसे में मकान मालिक ने स्कूल पर ताला जड़ दिया। स्कूल प्रबंधन का कहना है कि मकान मालिक के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज करने का फैसला किया गया है। सीएम नीतीश ने भागलपुर के सृजन घोटाले के आरोपियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि विकास के मार्ग में आने वाले सारे अवरोधों को हटाया जाएगा, इसमें जो भी लोग शामिल है किसी को नहीं बख्शा जाएगा। साथ ही सृजन सहित सभी एनजीओ की सीबीआई जांच कराने के लिए पीआईएल दायर की गई है। बिहार के छपरा रेलवे स्टेशन पर खड़ी छपरा टाटा एक्सप्रेस के एक बोगी से पुलिस ने एक शक्तिशाली बम बरामद किया है। बम मिलने की सूचना के बाद कुछ समय तक स्टेशन पर अफरा तफरी का माहौल बना रहा। बम शक्तिशाली बताया जा रहा है। यदि ट्रेन में बम विस्फोट होता तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। बलिया में जहरीली मिठाई खाकर जवाहर नवोदय विद्यालय के आधा दर्जन छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद अधिकारी जिला चिकित्सालय पहुंचे। वहीं बच्चों के परिजनों ने घंटों जमकर हंगामा किया। बलिया से हमारे रिपोर्टर राणा प्रताप सिंह ने बताया कि ये मामला गढ़वार थाना क्षेत्र के सिंघाचवर गाँव स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय का है।
बॉक्स ऑफिस पर अर्जुन कपूर और अनिल कपूर की फिल्म मुबारका का मुकाबला शाहरुख खान की फिल्म जब हैरी मेट सेजल से था, लेकिन मुबारका ने न सिर्फ जब हैरी मेट सेजल से तगड़ी फाइट की बल्कि दूसरे सप्ताह में उसे पछाड़ भी दिया। जब हैरी मेट सेजल ने कुल 61.05 करोड़ की कमाई की है। फिल्म नुकसान में चली गई, इसकी लागत 80 करोड़ रुपये है। मेरे साथ खास खबर में फिलहाल इतने। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए एवन न्यूज। नमस्कार। नई सोच, नई उम्मीद, राष्ट्र के नव निर्माण का आगाज है, साथ है, विश्वास है, हो रहा विकास है। आइए इस स्वतंत्रता दिवस पर भ्रष्टाचार और आतंकवाद रहित नए भारत के निर्माण का संकल्प लें। इन्हीं शब्दों के साथ हरियाणा सरकार के उद्योग एवं पर्यावरण मंत्री विपुल गोयल की तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।